हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। जैसा कि आप लोग कल देख चुके हैं, हम लोग आए थे हरिद्वार अभी तक, तो अब हम लोग आगे निकल गए हैं। ये ऋषिकेश वाला अंदर वाला रूट है, जंगल वाला। तो इस रूट से हम लोग निकल गए हैं अपना कहाँ के लिए, धारी देवी मंदिर के लिए। धारी देवी मंदिर आपका पहला पड़ाव है जो कि केदारनाथ से पहले पड़ता है। तो चलिए फिर चलते हैं धारी देवी मंदिर के लिए। चले भाई जी, तो चलो यहाँ एक दो फोटो शूट करते हैं और उसके बाद निकलते हैं फटाफट। सब गाइस गाइस गाइस, अब हम लोग चल रहे हैं केदारनाथ जी की ओर, और देखो कब तक पहुंचते हैं। उससे पहले हमें जाना है एक और मंदिर जो कि हमने आपको मॉर्निंग बताया था, बट उससे भी पहले हमें बहुत ज़्यादा लग गई भूख, तो पहले कुछ खाने का इंतज़ाम करते हैं और उसको खा के फिर निकलते हैं आगे मंजिल की ओर। और यार नज़ारे देखो एक बार, आप खुद देख लो क्या ही नज़ारे हैं। वाह, कसम से बता रहा हूँ, साइड बचा के चलियो, बहुत गंदा हाल है। साइड बचा के चलियो। हाँ बिल्कुल वही कोशिश कर रहा हूँ। शाम से बचने के लिए हम घुस गए गलियों में, पतली पतली गलियों से होते हुए निकल रहे हैं। पहाड़ों में भी हमने गलियाँ नहीं छोड़ी, पतली चौड़ी सब जगह घुस गए। बाहर यहाँ से व्यू कितना बढ़िया होगा, ये सामने है स्कूल है क्या है पता नहीं। आगे वादियाँ देख रहे हो कितने बढ़िया हैं। अब चलो फटाफट थोड़ी सी तेज़ी पकड़ते हैं और निकलते हैं आगे की ओर। गाइस अभी हम आगे ही बढ़ रहे थे तभी हमें ये छोटी सी ऑफ रोडिंग वाली लोकेशन मिल गई, जहाँ पे आप काफ़ी अच्छा खासा ऑफ रोड कर सकते हो। बट अपनी गाड़ी स्पोर्ट्स बाइक है, ट्रैक ओरिएंटेड बाइक है, स्पोर्ट टूरर कह सकते हो। तो हम इसको थोड़ा आराम से यहाँ से निकालते हैं और फिर चलते हैं आगे की ओर डेस्टिनेशन पर अपनी। क्या बोलूँ यार, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही और अभी मुझे पता ऊपर जाके ठंड भी बहुत ज़्यादा ही लगेगी। तो चलो इस ठंड गर्म का लुफ्त उठाएं और अपने भगवान के पास चलते हैं। जैसा आपको पता है सुबह हम कितने बजे निकले और अभी बज रहे हैं 11:18 और अभी हम ऋषिकेश के जाम में ही फंसे पड़े हैं राफ्टिंग वाले एरिए में। और गाड़ी ओवर हीटिंग हो गई है, पिकअप ही नहीं ले रही। दिमाग ऐसा ख़राब हो रखा है ना दोस्त, वगैरह आगे निकल चुके हैं क्योंकि मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी पीछे, मैं वहाँ फंस गया था। अब चल रहा हूँ धीरे धीरे, देखो क्या होता है। वो देख रहा, आगे लैंडस्लाइड हो रखी है पहाड़ की सीधा, भाई बड़ा गंदा सीन होता है। वो बुला रहे, वो जाम है, ट्रैफिक है, बोलो ना चलने को। जा रहा मैं, मैंने बाइक चेंज कर दी अपनी क्योंकि कमर में हो गया था और कंधों में हो गया था दर्द उसको चला चला के। अब इससे थोड़ा चलेंगे थोड़ा आराम से, उसके बाद वापस उसको ले लेंगे। तो चलो चलते हैं 50-100 किलोमीटर इससे। लो जी भाई देख लो पहाड़ों का जाम। आते हैं लोग घूमने, फंस जाते हैं। चौथी बार है, एक बार तो मैं भूल गया, सोचो इतनी टेंशन हो गई। इसको बार बार सेट कर रहे हैं, बार बार गिर जाता है। अब इसमें कुछ सेट करते हैं सामान सही से और आर आर को करेंगे खाली। आर आर पे यार सामान टिक नहीं पा रहा, बैठने में दिक्कत हो रही और यहाँ तक छूटा लगेगा मजा। इस पर एक बैग इधर लटका दे, एक उधर, मेरे को बस रेस्ट करने का है, रेस्ट करने का है। तो अभी चलो देखते हैं कौन सा मंदिर करते हैं। अगर केदारनाथ जी आज पहुँच गए तो ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं पहुँच पाए तो कौन सा मंदिर, धारी देवी टेम्पल जाएंगे और वहाँ पे हम दर्शन करके अगर रात हो गई तो वहीं कहीं होटल लेके स्टे करेंगे। बाकी वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी इसके लिए। दोबारा बोल रहा हूँ, ज़्यादा हो गया क्या, ओवर एक्टिंग गया तो
थोड़े से पैसे काट लेना मेरे लाइसेंस का एडमिशन ना। अरे झूल खा जाएगी वो गाड़ी। वो 1:54 सुबह के निकले हुए हैं, इतनी बार परेशान हो गए यार, जब तक फुल सेटअप ना हो यार तब तक आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल झेलना पड़ता है। अब वही है, रस्सी से बांध के कैसे कैसे मैनेज कर रहे हैं आपने देख ही लिया, ठीक है। तो बट एडवेंचर ये भी एक अलग है, कभी कुछ अच्छा हुआ जीवन में तो ये सारे पल याद आएंगे कि हमने ऐसे भी स्ट्रगल किया था, तब जाके हम वहाँ तक पहुँच पाए थे। तो चलो चलते हैं। सुबह से ड्राइव करते करते और सीनों में फंसते फंसते अब लग गई बहुत तगड़ी वाली भूख, और इन नज़ारों को देख कर तो मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। तो पहले करते हैं पेट पूजा, फिर लेते हैं इस नज़ारे का लुत्फ़ और फिर चलते हैं अपने भगवान के द्वारे। इस भूख इतनी ज़्यादा लगी थी वीडियो शूट करना भूल के, खाना कैसा था रोहित? अल्टीमेट। और भाई अभी कॉफ़ी वगैरह पी रहा, और यहाँ से नज़ारे देखो यार, यहाँ बैठ के खाने का मज़ा अलग। और वो खड़ी अपनी तीनों गाड़ियाँ, और एक भैया जी आए हमसे मिलने, कह रहे आगे से मोड़ के आए। हेलो भैया जी आओ। तो चलो फोटो वगैरह लेते हैं कुछ और फिर बढ़ते हैं आगे। और मेरे देख रहे हो नंगे पाँव यार, जूते पहने मैंने हालत ख़राब हो गई थी, एक तो जूते गीले हो गए थे उस चक्कर में। प्लान में थोड़ा चेंज है, हम धारी देवी मंदिर जाने वाले थे और वो हम आगे कवर करेंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं रुद्रप्रयाग, और वहाँ से फिर हम आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे, क्योंकि जितनी जल्दी पहुँचेंगे उतनी जल्दी हम दर्शन कर पाएंगे, और दर्शन ज़रूरी है, बाकी चीज़ें तो घूमते रहेंगे और माता के दरबार आते वक्त हो के आएंगे। तो यहाँ हाल ही में लैंडस्लाइड हुआ है और उसकी क्लीनिंग का काम चल रहा है, तो अपन साइड में खड़े हो जाते हैं। अब ये जब इंस्ट्रक्शंस देंगे आगे जाने के तब हम जाएंगे, अदरवाइज हम यहाँ साइड में खड़े रहेंगे। लैंडस्लाइड हुई है, निकल जाएंगे अभी। तो ऐसा सा सीन होता है भाई, पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है पहाड़ में, ये सब चीज़ें बहुत दिक्कत है। इंसान अपने कंफर्ट, अपने लग्जीरियस लाइफ के लिए पेड़ों को काटता है, और प्रकृति फिर उन्हीं को काटती है जो इंसान अपनी लग्जरी लाइफ चाहते हैं। तो ये चक्कर है, चलता रहेगा। ये जो दिख रहा है ये सारा क्लियर करना है मुझे अभी, ये सब क्रॉस करके उस पर जाना है। देख रहे हो ये होता है पहाड़ में खतरा, लोग रॉन्ग साइड ले आते हैं गाड़ी। अभी गाड़ी जरी सी बची है, हल्का सा मैं इधर होता बंदर मार देता, गलती मेरी नहीं है क्योंकि वो मेरी साइड में था। अपनी साइड में चलो, गाड़ी जितनी मर्जी स्पीड में चलाओ कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, बट आप जैसे दूसरी लेन में घुसोगे वन वे पे एक्सीडेंट होना कन्फर्म है। मैं नहीं कह रहा 99% चांस है, 100% होगा, एक दिन बच जाओगे दूसरे दिन होगा। तो गाइस गाइस गाइस, ये हमारी आज की लास्ट वीडियो है राइड की। रीज़न ये है, सूर्य अस्त हो रहे हैं, और सूर्य अस्त के बाद राइड की वीडियो क्या ही बनाऊंगा अंधेरे में, है ना। तो आप एक बार और वादियों का मज़ा लीजिए और हम एक और राइड का मज़ा लेते हैं, और पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन सीतापुर गांव या रामपुर गांव में। हाय, रेड वी को लेकर फाइनली पहुंच गए हैं देवप्रयाग। आप व्यू देख सकते हैं एक बार नज़ारा नीचे, तो दोनों नदियों का आपस में संगम हो रहा है यहाँ पे, और कितना साफ साफ विजिबल है यार, आप खुद देख लो एक बार तो समझ ही सकते हो। भाई मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता मैं क्या फील कर रहा हूँ, सही में बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है मुझे। क्या ही व्यू है यार, क्या ही व्यू है। गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये बंदर जो हैं इतने एक्सपर्ट हैं ककड़ी चुराने में, भाग गया अभी तो, यहाँ से आते हैं जब ये बंदा अंदर जाता है ककड़ी लेके भाग जाते हैं। तो गाइस रात के बज रहे हैं 9:30, और हम लोग देख लो कहाँ हैं, हम लोग केदारनाथ जी पहुँचने वाले ही हैं।
तो अभी सीन्स कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जाम लगा हुआ है। यहाँ क्या पीछे तक जाम लगा हुआ था, बाइकर्स जो थे वो निकल पा रहे थे, बाकी कार वालों को तो रोक रखा है। अब देखो कब तक निकल पाएंगे, अभी मेरी बस फंसी पड़ी है पीछे, उसको निकाला जा रहा है, उसके बाद फिर हमें आगे जाने की परमिशन मिलेगी क्योंकि यहाँ पर तो बाइकर्स को भी रोक दिया। तो चलो देखते हैं कितना टाइम लगेगा निकलने में, और अभी हमें रूम भी लेना है नाइट स्टे के लिए, सुबह चढ़ाई करनी है। अब समझ सकते हो कितना ज़्यादा स्ट्रगल होने वाला है, और रात का खाना भी खाना, तो अभी सब कुछ का जुगाड़ करना है, यानी ढूंढने चलना है। भाई रूम देखा कहीं? नहीं यार, पता तो किया नहीं, चल के पता करते हैं। बाई चांस नहीं मिला तब क्या करेगा? अरे ये क्या हो गया भाई, हेलमेट से निशान पड़ गया, इतना लंबा सफ़र यही करता है। गाइस अब जैसे हम ऊपर आ गए तो ठंड बढ़ रही है, मैंने भी पहन ली जैकेट वगैरह आप, और रही बात ये आखिरी फ्यूल पंप है यहाँ का, जब आप चढ़ाई करोगे ना तो केदारनाथ जी 48 किलोमीटर का आसपास रह जाएंगे, तो उसके बाद अगर आपको कोई भी पेट्रोल पंप दिखता है तो वही आखिरी है, उसके ऊपर आपको एक भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, तो आप वहीं से पेट्रोल फिलअप करवा लें। हाँ ना, हाँ ना भाई, नहीं तो ऊपर क्या हो सकते हैं, फंस सकते हैं, बिल्कुल फुल कर दीजिए अंकल जी। प्रीमियम है, एक्सपी होगा, एक्सपी 95, हाँ नहीं है तो कोई नहीं, जो है नॉर्मल वही डलवा लेते हैं और फुल करवाते हैं और चलते हैं आगे। सो गाइस आप देख सकते हैं ये पूरा जाम लगा हुआ है, मेरे दोस्त वहाँ फंसे पड़े हैं और मैं अपनी बाइक लेके आ गया इधर, और ना इधर कुछ दिख रहा ना उधर कुछ दिख रहा, बस जंगल झाड़ और अंधकार। तो मैंने अपने हज़ार चालू कर दिए, मैंने कम से कम किसी को पता चल जाएगा कुछ खड़ा है साइड में, कहाँ कहाँ आके घुस जाए, उन लोगों को आ जान दो, फिर अब चलता हूँ मैं होटल ढूंढूँ पहले, और भूख लगी है बहुत ज़्यादा, कुछ खाऊँ पहले। तो गाइस हमने रूम वगैरह ले लिया, हमने कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, रोटी, उधर है मिक्स वेज वगैरह, ये सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी थी, और ये देखो दाल चुरा रहा है पीछे पीछे, क्या बात है भाई, ये नहीं चलेगा, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, हैं भूख लग रही है बहुत तेज, भूख लग रही है ऐसी, तो मेरी चाउमीन खत्म होगी, मैं वीडियो में दिखा नहीं पाया, भूख लगी थी बहुत तेज। तो चलो अब मैं ये सब खा लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ, इस ब्लॉग को यार यहीं एंड करता हूँ, बहुत ज़्यादा थकान हो गई गाड़ी चला के, आप समझ सकते हैं भाई, कितना ऑफ रोड किया रोहित, रोहित इस कितना बहुत ज़्यादा, कैसे क्या हुआ आज बताएंगे आराम से, कल बताएंगे यात्रा करते करते, हाँ चलो।